निशा की रसोई में आज आपका स्वागत है। मैं हूँ निशा शर्मा, कोटा राजस्थान से, और आज हम इंस्टेंट मार्केट जैसे फूले फूले भटूरे बनाएंगे, वो भी गारंटी वाले भटूरे। हर एक एक भटूरा आपका फूलेगा। आज मैं जिस तरीके से सिखाऊंगी वैसे ही आपको बनाना होगा। जैसे मार्केट में भटूरे का डो लगाते हैं, वो 3-4 घंटे तक रखना पड़ता है तब वो भटूरे फूलते। आज हम जो भटूरे बनाने वाले हैं उसका डो भी हम इंस्टेंट लगाएंगे और भटूरे भी वैसा ही फूलेगा, एकदम बलून जैसा। लेकिन आपको ये भटूरे रेसिपी सीखने के लिए मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा, बिना स्किप किए हुए, तभी आप वैसे भटूरे बना पाएंगे। हर एक एक स्टेप को ध्यान से देखना होगा। चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं, हट भटूरा गारंटी के साथ। इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदा ले ली है। मैदा के साथ मैंने यहाँ पर 2 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं और इनको अब मैं अच्छे से बारीक कद्दूकस करूंगी। इस तरीके का जो कद्दूकस आता है उससे मैं बारीक कद्दूकस करूंगी इनको। पहले हमें कद्दूकस कर लेना है। इन्हें आलू को मैंने अच्छे से बारीक कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने अदरक वाले कद्दूकस का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, इसलिए हमें इसी से करना है, मोटे वाले कद्दूकस का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने ये मैदा ले ली है, इसके अंदर मैं 1/2 कटोरी सूजी डाल रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है, सूजी डाल दी है और इसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है हमें। इसी के साथ मैं यहाँ 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं थोड़ा सा शक्कर का यूज कर रही हूँ, 1/2 पिंच शक्कर है, ये शक्कर डाल दी है मैंने। इसके अंदर 1 टेबल स्पून में नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप चाहते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये वाला बेकिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। ये बेकिंग पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर 2 टेबल स्पून में कर्ड का यूज कर रही हूँ, दही का। ये दही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, 2 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया है। अब सबसे पहले हमें हल्की हल्की हाथों से इन सब चीजों को पहले अच्छे से मिलाना है। इनको अच्छे से पहले मिला लेंगे। जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छे से मिल जाए, ये सारी सूजी इसके अंदर मैदा के अंदर मिल जाए। तो इस तरह इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमने आलू कद्दूकस किया था, अब मैं उसको डाल रही हूँ। ये कद्दूकस आलू डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और अब हम पहले इस आलू से ही इसका डो लगाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके से हमें इसका डो लगाना है। ये आलू को पहले अच्छे से सारी जगह मिला लेना है, जिस तरीके से हमने बेकिंग पाउडर और सूजी को मिलाया था उसी तरीके से। भटूरे बनाने में जो ये हम डो लगाते हैं उसी का सबसे अच्छा मेन रोल होता है। सारे भटूरे डो पर ही डिपेंड करते हैं। अगर डो अच्छा लगता है तो भटूरे बिल्कुल फूले फूले बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया है, पर एक साथ हमें पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा। देखिए हाथ में इस तरीके से मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है, हल्का सा गुनगुना कर लिया था इसको। और इसी तरीके से हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है, जैसे हम पराठे का डो लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना है हमें। आपने देखा होगा दिल्ली में जो भटूरे मिलते हैं वो फूले ही रखे रहते हैं, वो पिचकते नहीं हैं और वो बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। उसी तरीके से आज हम कोशिश करेंगे वैसे बनाने की। देखिए हमने सॉफ्ट डो लगा लिया है, सॉफ्ट लगा है डो, और मैं आपको दिखाती हूँ। 1 कटोरी पानी लिया था, इसमें से इतना सारा पानी हमारा बच गया है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें आटा लगाना है। अब यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून इसके ऊपर ऑयल डालूंगी, और अब इसकी ऑयल की हम इसमें मल्हार लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इस डो को चलाना है, इस तरीके से इसकी मल्हार करनी है। मैंने इसकी 5 मिनट अच्छे से पिटाई कर ली है, अब इसको रेस्ट करने देते हैं हम 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा
ऑयल लगा देती हूँ। यहाँ पर ऑयल लगा दिया है और अब इसको हम ढककर रख देंगे। इस तरीके से मैंने ढककर रख दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने देंगे। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको, ये जो हमने डो लगाया था, इसको चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से फूल गया है और हमें इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने एक लोई ले ली है और अपने हाथों पे थोड़ा सा ये मैदा लगा लिया है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है तो अच्छे से लोई नहीं बन पाती है, और इस तरीके से हमें इसकी लोई बना लेनी है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर तेल गर्म होने के लिए मैंने इसमें चढ़ा दिया है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा तेल यहाँ चकले पर ले रही हूँ, चकले पर ले लिया है, और इसी से थोड़ा सा बेलन पर भी लगा दूंगी। बेलन को हमें चिकना कर लेना है पहले। इस तरीके से बेलन पर मैं ऑयल लगा दिया है। ये लोई ले ली है, इसको यहाँ रखा। हाथों की सहायता से पहले हमें इसे बड़ा कर लेना है। और याद रहे, अब इस लोई को जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं, उठा उठा के, पलट पलट के, इस तरीके से बेलते हैं, इसको ऐसे नहीं बेलना है। हमें ये चिकना कर रखा है हमने, पहले ऐसे बेलना है। अब इसको उठाने की बजाय हम चकली को घुमा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें बेल लेना है, क्योंकि हम जब ये उठाते हैं, बार बार इसको उठाते हैं, तो हमारा भटूरा अच्छे से नहीं फूलता है और ये मैदा थोड़ी खिची खिची हो जाती है। इसलिए हमें उठाना नहीं है इसको। और इसी तरीके से आप जिस भी शेप का भटूरा बनाना चाहते हैं वैसा बना ले। ज्यादा पतला भी नहीं करें और ज्यादा मोटा भी नहीं रखें। इस तरीके से मैंने ये भटूरा बेल लिया है। चलिए तेल को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर मैं आटे का थोड़ा सा तिनका डाल रही हूँ। ये देखिए अभी ऊपर नहीं आया है, इसका मतलब बहुत अच्छा ऑयल गर्म हुआ नहीं है अभी। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं हम तेल को। इस बार तो पक्का हो ही गया होगा। ये बॉल डाली, ये ऊपर से आ गई। चलिए हो गया। अब हम इसके अंदर भटूरा डाल रहे हैं। ये देखिए भटूरा डाल दिया है और हल्के से इसको प्रेस करना है। और ये देखिए भटूरा कितना बढ़िया आलिशान फूल गया है। देखिए कितना बढ़िया भटूरा फूल गया है। और इसके ऊपर हमें तेल डाल देना और आहिस्ता से हमें इसको वापस पलट देना। देखिए कितना बढ़िया भटूरा फूला है। और इसी तरीके से हमें थोड़ा सा और अभी क्रिस्पी करना है इसे, और ऑयल डालते रहना है इसके ऊपर। देखिए कितना अच्छा भटूरा फूला है। ये हमने इंस्टेंट भटूरा बनाया है। देखिए भटूरा कितना बढ़िया क्रिस्पी और फूला हुआ है, और अभी तक फूला हुआ है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है भटूरा। ये देखिए कितना बढ़िया भटूरा, और अभी तक फूला हुआ है। जब तक आप रखेंगे तब तक फूला रहेगा। ये भटूरा डालेंगे इसमें और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से। और देखिए ये भटूरा फूल गया है। इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। हमारा दूसरा भटूरा कितना बढ़िया फूला है। देखिए गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे एकदम रेडी हैं, छोले की सब्जी के साथ, छोले मसाला और फूले फूले भटूरे। देखिए कितने बढ़िया फूले हुए हैं, बिल्कुल भी पिचके हुए नहीं है। तो आज हमने बनाए थे इंस्टेंट भटूरे, और उम्मीद है आपको भी ये पसंद आए होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। निशा की रसोई में बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।